Hello, myself Vishwajit Kumar and I am from Kendriya Vidyalaya Sangathan. My sub-theme is cleanliness and health and my focal theme is science and technology for sustainable development. And the title of my project is an innovative provision for electricity generation from food waste. आज फूड वेस्ट हमारे पूरे सोसाइटी के लिए एक बहुत ही मेजर इश्यू बन चुका है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ फूड वेस्ट इज 1.6 बिलियन टन और इतने ह्यूज अमाउंट में फूड वेस्ट हमारे ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ ये क्लीनलीनेस और हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है एंड द स्टडी ऑफ अट्रेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नीदरलैंड शोज दैट food waste is the third largest emitter of carbon and hence it's an immense source of carbon footprint. So, हमने hypothesize किया कि हमारे city में भी लोग इस food waste की वजह से बहुत सारे problem face कर रहे होंगे तो हमने इसके लिए 50 individuals का survey किया जो कि landfill वाले area में था और इस सर्वे के अकॉर्डिंग हमने इंडिविजुअल से क्वेश्चन किया क्या आप ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन सेपरेटली यूज करते हैं इसमें 86% लोग वेट एंड ड्राई वेस्ट को सेपरेटली ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन में डाल रहे थे हमारा सेकंड क्वेश्चन था क्या जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन वेस्ट को सेपरेटली ले जाती है और डंप करती है तो कैसे ट्रीट करती है इसमें 100% लोगों ने कहा कि नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फूड वेस्ट को कोई ट्रीट नहीं करती है और ये ऐसे ही अक्यूमुलेटेड रहता है और हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि अगर ये फूड वेस्ट ट्रीट नहीं होता है तो आपको इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है इसमें लोगों ने कहा उन्हें फाउल स्मेल डिजीजेस नाजिया इन सब की प्रॉब्लम होती है और इस फूड वेस्ट की वजह से वो आए दिन प्रॉब्लम फेस करते हैं कंप्लेंट्स भी करते हैं सो हमने सोचा अगर फूड वेस्ट की वजह से क्लीनलीनेस इतना इफेक्ट हो रहा है हेल्थ इतना इफेक्ट हो रहा है तो हमें इस पर एक आइडिया डेवलप करना चाहिए और उसके लिए हमने एक इनोवेशन किया जो कि इस फूड वेस्ट के प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकती थी So, इसमें हमने फूड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम डेवलप किया जिसमें हमने अपना इनिशियल एक्सपेरिमेंट किया इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम यहाँ पे लगाया और इसके थ्रू हमने सबसे पहले एक दो चैम्बर्स यहाँ पे बनाए हैं ये ड्यूअल चैम्बर है एक एनोड चैम्बर एक कैथोड चैम्बर एनोड चैम्बर एनारोबिक है और ये कैथोड चैम्बर एरोबिक है सो एनोड चैम्बर में हमने एक बैक्टीरिया रखा है जिसका नाम जियोबैक्टर सल्फर रेड्यूसेंस है जो कि एक्सो इलेक्ट्रॉनिक बैक्टीरिया है और हमने यहाँ पे फॉस्फेट बफर यूज किया है जो कि किसी भी पीएच चेंज को रेसिस्ट करेगा और इसी एनोड चैम्बर में मिथिलीन ब्लू जो कि एक मेडिएटर है जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा उसके लिए यूज किया है और यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए ग्रेफाइट रॉड जो कि इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं और यहाँ कैथोड चैम्बर में एक एरोबिक चैम्बर है और बीच में हमने एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन लगाया और इसके थ्रू हम सबसे पहले फूड वेस्ट को इस एनोड चैम्बर में डालेंगे जो कि एनारोबिक चैम्बर है और इस एनारोबिक चैम्बर में हमने इसका सेटअप ऐसा ही लगाया था आप देख सकते हैं फोटोग्राफ और इस एनोड चैम्बर में फूड वेस्ट को डालेंगे तो ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेगी एनारोबिकली उसको और वहां पे ये फूड वेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड CO2 में सेपरेट हो जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा तो ये मिथिलीन ब्लू जो कि मेडिएटर है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इस ग्रेफाइट रॉड पे ले आके अक्यूमुलेट कर देगी और जो प्रोटॉन्स है वो इस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से पास होके कैथोड चैम्बर जो कि एरोबिक चैम्बर है वहां चला जाएगा और ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है जिसमें हमने 10 लीटर फूड वेस्ट यूज किया है तो जब प्रोटॉन यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड चैम्बर में जाएगी तो वो O2 से रिएक्ट करना चाहेगी H2O फॉर्म करने के लिए लेकिन इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी और उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी फ्लो बढ़ता जाएगा और इसी कंटिन्यूअस फ्लो से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और यहां जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था वो था 0.35 वाट पर मीटर क्यूब फॉर 10 लीटर फूड वेस्ट हमारा जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट था उसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था 0.35 वाट पर मीटर क्यूब पर 10 लीटर ऑफ वेस्ट वो हमें उतना सेटिस्फेक्ट्री नहीं लगा क्योंकि हमें कमर्शियली वायबल प्रोडक्शन देना है जिससे इसको लार्ज स्केल पे ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके और ये सोशल वेलफेयर में काम आ सके इसके लिए हमने फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस किए जैसा कि हम इसमें एक बैक्टीरिया को यूज करें जो माइक्रोब है और माइक्रोब अगर उसमें किसी चीज को क्रस्ट फॉर्म में देते हैं डिकम्पोज करने के लिए तो वो इजीली डिकम्पोज कर सकता है पर अगर हम उसे पूरा होल मास दें तो डिकम्पोज करने में टाइम लगता है इसलिए हमने सोचा कि हम फूड वेस्ट को पहले क्रश करेंगे ब्लेंड करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और इसके लिए हमने यहाँ पे 3 चैम्बर्स बनाए हीटिंग चैम्बर क्रशिंग चैम्बर एंड ड्यूअल चैम्बर माइक्रोबियल फ्यूल सेल
सो फर्स्ट चैम्बर हम हीटिंग चैम्बर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारा फूड वेस्ट हो उसमें हीटिंग से कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे और फिर ये ज्यादा सॉफ्टर हो जाएगा क्रशिंग के लिए। तो हम सबसे फर्स्ट चैम्बर में फूड वेस्ट को डालेंगे और इसके ऊपर टॉप पे एक पॉलीकार्बोनेट शीट लगा होगा, ड्यूअल लेयर्ड, दो लेयर का पॉलीकार्बोनेट शीट। ये ग्रीन हाउस ग्लासेस की तरह एक्ट करता है पर इसकी हीट रिटेंशन कैपेसिटी और भी ज्यादा अच्छी होती है। और इसके चारों तरफ से हम कॉन्वेक्स लेंसेज लगा रहे हैं और ये कॉन्वेक्स लेंसेज लाइट को कन्वर्ज करेगा और ये लाइट कन्वर्ज करने के बाद फूड को हीट करेगा क्योंकि यहाँ पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस हीट को ट्रैप करके रखेंगे। और जब हीटिंग कंप्लीट होगा तो फर्दर हम इसे क्रशिंग चैम्बर में शिफ्ट कर देंगे जहां पे ब्लेड, ये टर्बाइन टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें ब्लेड्स लगे होंगे जो फूड पार्टिकल्स को ब्लेंड कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्लेंड कर देगा और ये फूड पार्टिकल्स एक पेडल लाइक स्ट्रक्चर जो एक रॉड से अटैच्ड होगा वहां पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब ये कंप्लीट क्रशिंग हो जाएगा तो हम इस पैडल को खींचेंगे और सारा फूड वेस्ट हमारा एनोड चैम्बर में ट्रांसफर हो जाएगा और फर्दर वैसे ही इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में ट्रांसफर होगा और यही हमारा हाइड्रोजन आयंस O2 से कंबाइन होना चाहेगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बनेगा और कंटिन्यूअस फ्लो से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और इस टाइम जब हमने ये पूरा डिवाइस डिजाइन कर लिया तो इस डिजाइन के बाद हमने बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक लेटर लिखा जिसमें हमने मॉनेटरी हेल्प मांगा उनसे इस डिवाइस को बनाने के लिए और उन्होंने हमें हेल्प दिया इस बेसिस पे कि हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए। तो हमारा ये डिवाइस है जिसका ये इमेज है, इस डिवाइस को हमने बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेजा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पूरे बनने के बाद और उन्होंने हमें मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड किया। और इस को बनाने के बाद जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नोट किया इससे वो था 2.7 वॉट पर मीटर क्यूब फॉर 10 लीटर ऑफ वेस्ट और अभी 7 टाइम्स का इंक्रीज हो गया था हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। और ये हमारे पूरा स्ट्रक्चर जो था 3 चैम्बर्स में ये अब एक आइडियल स्ट्रक्चर बन चुका था फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फूड वेस्ट। क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम टेम्परेचर अगर कम करें तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा और माइक्रोब को हमने यूज किया है जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो हमेशा जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है उसका रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस बात के लिए हमने अपने डिवाइस के थ्रू 11 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसमें हमने 0.5 to 5 बार प्रेशर के रेंज में और 5 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में 11 सब एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे सब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक एनालाइजेशन किया और इस एनालाइज करके हमें पता चला कि जो हमारा 8th एक्सपेरिमेंट था वो हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन दे रहा था जो था 6.2 वॉट पर मीटर क्यूब और ये एक बहुत ही आइडियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था बाय 10 लीटर ऑफ वेस्ट। सो हमारा डिवाइस फ्यूचर में पूरे फूड वेस्ट के प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकता है और उससे एक सस्टेनेबल एनर्जी रिलीज कर सकता है। सो हम इसे अक्षय ऊर्जा प्रोग्राम से कनेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट फर्दर हमें इसे मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड